अपसेट सा फील नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली अंजलि जो करके गई कोमा में, उस थोड़ा डर लग रहा है कि यू नो अगर वो ऐसे कुछ करेगी फिर से तो मैं क्या करूँगी. सो जस्ट बहुत हैप्पी है कि अंजलि वापस आ रही है, लेकिन इट्स जस्ट यू नो दैट स्लाइट फ्राइट कि क्या होगा अभी. मतलब संजना काफ़ी समझदारी से काम कर रही है, वो बोलती है कि एक साथ स्वागत करेंगे अंजलि के घर आने. हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे संजना पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, पॉजिटिव सोचती है, तो वो कभी बुरा नहीं सोचेगी. पर थोड़ा टिंज होता है कि यू नो कि क्या अगर क्या होगा, अगर कुछ बुरा होगा पहले की तरह होगा, थोड़ा उसको यू नो फीलिंग आ रहा है कि कुछ गलत होगा, तो इसलिए. एनिवर्सरी की बात करें तो काफ़ी डेकोरेट किया है. हाँ, तो उसने समीर के लिए सरप्राइज़ रखा है, और समीर आता है और समीर भूलता है एनिवर्सरी को, लेकिन संजना इज़ ए गुड गर्ल, तो उसे कुछ शी डज़ नॉट गेट एंग्री. और क्या कुछ अच्छे मोमेंट्स भी देखने मिले समीर और संजना. हाँ, हम बेड पे गिर जाते हैं, बहुत क्यूट मोमेंट्स है टेडी बेयर्स के बीच, बहुत क्यूट मोमेंट्स है. आफ्टर लास्टली एक संजना और समीर के बीच खुशियाँ कुछ नज़र आई. हाँ, बहुत फाइनली सब कुछ उन दोनों के बीच ठीक हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, तो अच्छा चल रहा है अभी. थैंक यू. थैंक यू.